हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर सिंह एंड आज काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं आया हुआ हूँ बॉमनविल करके एक जगह है एंड यहाँ पे एक ड्राइव फेस्टिवल होता है। तो आप मेरे पीछे देखें तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं एंड काफ़ी सारी कंपनीज अपनी नई गाड़ियाँ लॉन्च करती हैं एंड कस्टमाइज गाड़ियाँ भी यहाँ पर काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं। तो एंट्री करते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं ये ड्राइव फेस्टिवल। तो मेरे पीछे आप ये देखें, यहाँ पे ये टिकट्स वगैरह सेल कर रहे हैं एंड मेरे पास एक फ्रेंड की वजह से पासिस थे, सो आई थिंक $20 के अराउंड इनका टिकट है एंड $15-20 की पार्किंग है एंड पूरा पीछे जो है आप देखें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की कस्टमाइज कार्स। अब यहाँ पर देखें बहुत ही क्लासिक कार है, वॉक्सवैगन बीटल इन्होंने कस्टमाइज की हुई है एंड दिस इज़ वेरी लो। उसके अलावा यहाँ पे आई थिंक पोर्श GT2 या GT3 है, दिस इज ऑल्सो लुकिंग सुपर डूप। एंड मेरे पीछे आप देखें ये आई थिंक BRZ है एंड इसमें पूरा इन्होंने कस्टमाइज करके म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगाया हुआ है। अभी ये म्यूजिक प्ले नहीं कर रहे बट दिस कार ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस। ये देखिए इन्होंने पीछे सबवूफर एंड कैपेसिटर वगैरह लगा के एंड काफ़ी ज़्यादा लो करा रखी है गाड़ी ये। सॉरी, दिस इज़ लाइक अ BMW M2 नॉट BRZ, बट दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। इधर आप देखें तो ये रेड कलर की कॉर्वेट है एंड ये डिटेलिंग कंपनी है, कोई स्पॉटलेस ऑटो डिटेलिंग उन्होंने यहाँ पे अपनी ये लगा रखी है। इधर ब्लू कलर की कॉर्वेट है एंड यहाँ पे इन्होंने मॉडल कार भी लगाई हुई है छोटी सी। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी दिखी है लोटस की एंड दिस इज़ लुकिंग रियली रियली नाइस एंड टू सीटर है, बहुत ज़्यादा लो है। आई डोंट नो द नेम, लोटस की एलिस, बट दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड। उसके अलावा ये क्लासिक कार है शेवरले कॉर्वेट, वाइट कलर की गाड़ी है एंड अंदर रेड इंटीरियर है। एंड यहाँ पे ये देखें तो ये भी बहुत ही ज़्यादा क्लासिक गाड़ी है। यहाँ पे ये एक इन्फिनिटी की गाड़ी है, 37 करके इसका नाम है, GX37, ये भी फुली कस्टमाइज्ड है। यहाँ पे ये सुप्रा है, ये भी आई थिंक लोवर्ड है एंड इस पर बॉडी किट्स वगैरह इन्होंने लगाई हुई हैं। तो दिस इज अ मैनुअल वन। यहाँ पे आप देखें आई थिंक ये सुब्रू की WRX, इन्होंने WRX STI मॉडिफाई करा रखी है पूरी, इसमें आई थिंक इन्होंने टर्बो वगैरह एडिशनल लगा के ये गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा लो करा रखी है। यहाँ पे अभी पीछे एक ये ब्रांड है कोई नॉस करके, ही अपनी एनर्जी ड्रिंक्स बांट रहे हैं फ्री में एंड आप पीछे देखें तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। मोस्ट ऑफ द कार्स आर कस्टमाइज्ड, या तो उसमें परफॉर्मेंस पार्ट्स लगा रखे हैं या फिर बॉडी किट्स हैं एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एग्जॉटिक कार्स हैं। तो आप मेरे पीछे देखें, यहाँ भी ये कॉर्वेट इन्होंने देखो पूरा रैप वगैरह कर रखी है एंड इस साइड पूरी लाइन से कॉर्वेट ही कॉर्वेट है आगे तक। यहाँ पर आप देखें तो दो पोर्श खड़ी हैं, GT4 RS है ये वाली एंड ये वाली भी आई थिंक GT2 या GT3 RS होगी एंड दोनों रैप्ड हैं। एंड मेरे पीछे आप देखें तो यहाँ पे अप्रीलिया का बूथ है एंड अप्रीलिया की सुपर बाइक्स इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं, सो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अप्रीलिया की सुपर बाइक्स हैं सारी, मेरे को नाम इनके नहीं पता एंड ये तो आई थिंक मेरे को MotoGP वगैरह की लग रही है जैसे इन्होंने रैप कर रखी है। एंड एक बाइक यहाँ पर है, दिस वन इज़ ऑल्सो, दिस इज़ RX660 एंड ये भी बहुत सही लग रही है। तो अभी आप मेरे पीछे देखें ये एक कैल टायर करके एक शॉप है जो टायर वगैरह आपके इंस्टॉल करते हैं एंड ये लोग एक गेम खिलवा रहे हैं। तो आपको सैंड बैग्स हैं वो आपको डालने हैं, पीछे आप जो देखें ये बोर्ड जो है इसमें सैंड बैग्स डालने हैं। तो अभी मैंने खेला एंड एक बैग डालने पे एक प्राइस दे रहे हैं, तो आई गॉट दिस
सनग्लासेस। सो बाकी चलते हैं आगे एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या है। मेरे पीछे मोबिल वन का बूथ है एंड ये इन्होंने यहाँ पे पूरी नैस्कार लगाई हुई है। तो आप देखें, दिस इज़ द नैस्कार जो इनकी टीम वगैरह में रेस करती होगी। पे ये कोई तो प्रोजेक्ट कार है, आई थिंक दिस इज़ अ इलेक्ट्रिक कार। एंड आप देखें तो इसके डोर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। एंड अंदर देखें तो पूरा वुडन इंटीरियर है इसकी, वुडन फ्लोरिंग वगैरह। चलते हैं आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। एंड यहाँ पे देखें तो ये रोल्स रॉयस एंड ऑडी R8 V10 स्पाइडर। एंड इस साइड एक BMW की M सीरीज की गाड़ी है कोई तो। एंड दिस आर लुकिंग रियली रियली कूल। आप देखें तो जैसी कार्स मूवी थी सेम उसी डिज़ाइन की इन्होंने यहाँ पे मस्टैंग रैप कर रखी है। एंड अंदर से भी इसका इंटीरियर जो है वो इन्होंने सेम उसी थीम पे डिज़ाइन कर रखा है। यहाँ पे ये हॉट व्हील्स वालों ने एंड टॉयज आर एस वालों ने अपना बूथ लगाया हुआ है। अंदर ये एक्सबॉक्स वगैरह लगा के गेम खिला रहे हैं। एंड यहाँ इन्होंने लेगो से पूरी हॉट व्हील्स की गाड़ी बनाई हुई है। ये देखो यहाँ पे ये बैटमैन एंड उसके साथ ही पीछे बैटमोबिल। एंड आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी है बैटमोबिल। एंड आई थिंक पुराने वाली जो बैटमैन की मूवीज थी उसमें से ये गाड़ी है, बट वहाँ पे इन्होंने बैटमैन खड़ा किया हुआ है। एंड ये बैटमोबिल वहाँ पे आप देखें तो ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट रिमोट कंट्रोल कार्स हैं। एंड ये इसका रिमोट जो है भी इससे कई गुना बड़ा है। एंड आप देखें बहुत ही छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं जो कि रिमोट कंट्रोल्ड हैं। एंड यहाँ पे हॉबी ग्रेड गाड़ियाँ हैं। ये 1:10 स्केल की RC कार है, वो पीछे उसकी किट रखी हुई है। एंड यहाँ पे RC कार्स का इन्होंने बना रखा है। एंड यू कैन ड्राइव द RC कार्स ओवर हियर। ये देखो ये 1:10 रेशो की RC कार है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की किट्स हैं एंड दोनों साइड। ये भी सारी जो आपको दिख रही हैं गाड़ियाँ हैं रिमोट कंट्रोल। मेरे पीछे देखें तो आपको ये बहुत पुरानी एक पोर्श दिखेगी। एंड इसका डिज़ाइन जो है वो भी आज की जो पोर्श आती है उससे बहुत ही डिफरेंट है। बहुत ही पुरानी पोर्श है एंड स्पेस भी इसमें कोई ख़ास नहीं है। एंड ये देखिए इंटीरियर, बट कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे देखिए दिस इज़ ऑल्सो पोर्श। एंड ये बहुत ही लेजेंडरी कार है टोयोटा सुप्रा। एंड आप मेरे पीछे देखें तो कनेडियन मिलिट्री ने अपना टैंक भी लाके यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। एंड ऊपर मिलिट्री के सोल्जर्स भी हैं, बट ये आपको एक टैंक का पूरा टूर दे रहे हैं जो बच्चे वगैरह इसमें जाना चाहें तो पूरा फुल फ्लैश्ड टैंक है। दिस इज़ नॉट अ बेल्ट ड्रिवन, ये टायर ड्रिवन है। बट पीछे काफ़ी लाइन अप है इसके अंदर जाके देखने के लिए, बट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो आप देखें ये मिलिट्री व्हीकल्स हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये बिल्कुल ट्रैक रेडी मस्टैंग है। अंदर से पूरा इंटीरियर वगैरह इन्होंने हटा के रॉड्स लगाई हुई हैं सपोर्ट के लिए। एंड ये बिल्कुल ट्रैक रेडी गाड़ी है, काफ़ी लो है। एंड आप टायर वगैरह देखें तो वो भी इसके बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे देखें तो ये शेल्बी मस्टैंग है एंड इसका इंटीरियर भी इन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है, बट दिस इज़ लुकिंग वेरी क्लासी। ये है हुंडई की इलांट्रा N। ये इनका इस गाड़ी का स्पोर्टी वेरिएंट है। एंड ये गाड़ी की हॉर्स पावर वगैरह भी आई थिंक 200 से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 300 के अराउंड है। करंटली आई एम सिटिंग इन हुंडई इलांट्रा N। ये इनकी इलांट्रा का स्पोर्टी वेरिएंट है। एंड आप सीट्स वगैरह देखें तो ये भी अल्केंटारा वगैरह है। एंड ये गाड़ी जो है दिस इज़ रियली नाइस स्पोर्टी सेडान, बट दिस इज़ अ फ्रंट व्हील ड्राइव कार। यहाँ पे ये टोयोटा का बूथ है एंड इसके साइड में ही ये किया का बूथ है। तीन चार ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपना बूथ लगाया हुआ है यहाँ पे हुंडई एंड इधर निसान का। यहाँ पे इन्होंने खड़ी की हुई है निसान की 400Z निस्मो। एंड
दिस कार इज रियली रियली कूल। ये एक निसान 400Z इन्होंने बाहर खड़ी कर रखी है। दिस कार इज रियली रियली ब्यूटीफुल। एंड इनकी आई थिंक एंट्री लेवल ये स्पोर्ट्स कार है एंड कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई है। यहाँ पे आप देखें तो ये स्काईलाइन GTR किसी ने मॉडिफाई करा के यहाँ पे लाके खड़ी कर रखी है डिस्प्ले पे। उसके साइड में है ये निसान की GTR। यहाँ पे भी काफ़ी अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ इन्होंने खड़ी कर रखी हैं, रेस कार्स दोनों साइड पे, पोर्श एंड ये भी एक कोई तो रेस कार है, कौन सी ब्रांड की है, दिस इज़ बहुत ही अलग सी ब्रांड है, आई हैवंट हर्ड अबाउट दिस वन, मर्लिन MK6 से। एंड ये फिर से पोर्श है। इस साइड ये आई थिंक ट्राई तीन पहिए वाली गाड़ी है, ट्राई साइकिल। यहाँ पे इन्होंने फरारी 488 खड़ी की हुई है, उधर ये रेस कार फरारी है एंड आगे फोर्ड GT वगैरह खड़ी की हुई है। सो इस साइड जो है इन्होंने फोर्ड GT रेस कार्स खड़ी की हुई हैं। ये फोर्ड GT एंड वो पुराने वाली फोर्ड GT लंबोर्गिनी की रेस कार है एंड इसका तो आई डोंट इवन नो द नेम, आई थिंक सियान है या फिर एक उससे पहले गाड़ी आई थी वो है, बट दिस इज लंबोर्गिनी, दिस इज पोर्श एंड आगे पोर्श एंड वहाँ पे फिर से लंबोर्गिनी। आप देखें तो ये पगानी की गाड़ी है, पगानी यूरा आई थिंक एंड दैट इज़ फरारी। ये देखिए दिस इज ह्यूरा रोडस्टर एंड आगे देखें तो एक F1 कार भी खड़ी की हुई है। ये मैकलारेन, फरारी, मेजराती एंड दैट इज़ ला फरारी। ये जो गाड़ी है ला फरारी ये बहुत आइकॉनिक एंड रेयर गाड़ी है एंड जितने की लॉन्च हुई थी अब उससे भी ज़्यादा महंगी बिकती है बिकॉज बहुत ही कम क्वान्टिटी में बनी थी एंड उसी हिसाब से इसके प्राइसेस जो हैं काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो ये मैकलारेन खड़ी की हुई है इन्होंने, आई डोंट नो 720 एस है या फिर 560 एंड इस साइड ये क्लासिक पोर्श। ये देखिए यहाँ पे मैकलारेन रेस कार, इस पर भी इन्होंने पूरी ब्रांडिंग की हुई है बाहर। यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ हैं इनको ये ट्रैक पे पीछे रेस करा रहे हैं, सारी स्पोर्ट्स कार हैं, फरारी, लैम्बोर्गिनी, पोर्श एंड आगे आप सबसे आगे इस लाइन में एवेंटाडोर है एंड काफ़ी सारी पोर्श हैं, कॉर्वेट है, बहुत सारी स्पोर्ट्स कार हैं, लैम्बोर्गिनी, एवेंटाडोर, दिस इज़ लुकिंग सुपर सिक। एंड यहाँ पे जो मस्टैंग है इस पर इन्होंने बॉडी किट लगाई हुई है, दैट इज़ लुकिंग रियली रियली गुड। ये पूरी गाड़ी पे आगे पीछे दोनों साइड बॉडी किट है एंड आप देखिए टायर वगैरह भी इसके काफ़ी डिफरेंट है, दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड। एंड बोनट पे इन्होंने क्लियर कोट लगाया हुआ है एंड सुपर चार्ज्ड मस्टैंग है। सारी वाइपर खड़ी हुई है, डॉज वाइपर एंड जहाँ तक मुझे पता है इन गाड़ियों में सबसे बड़ा V8 इंजन है, आई थिंक 8.4 लीटर का। आप देखें तो शेल्बी मस्टैंग GT500 है एंड रेगुलर मस्टैंग से इसके ब्रेक साइज से लेके सब कुछ अलग है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है एंड ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है एंड एग्जॉस्ट का जो इसका साइज़ है वो नॉर्मल मस्टैंग से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इधर पूरी ये मॉडिफाइड परफॉर्मेंस कार्स हैं, सुब्रू ऑल आर सुब्रू ओवर हियर। तो ये जो भी इनकी कंपनी है ये ट्यून करती है गाड़ियों को। देखें तो कावासाकी निंजा H2 एंड उस साइड H2R भी यहाँ पे खड़ी है। सो ये ड्राइव फेस्टिवल तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा देख लिया एंड यहाँ पे गाड़ियों की रेस भी हो रही है
जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में ड्रोन से दिखाता हूँ। एंड मैं इस इवेंट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।